कि रामलीला मैदान में किसानों की रैली पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। कैलाश चौधरी ने कहा है कि जो आंदोलनकारी किसान रामलीला मैदान में आ रहे हैं, सरकार उनके प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने मंत्री कैलाश चौधरी से खास बातचीत की, देखिए। कैलाश जी, किसान कई मांगों को लेकर फिर रामलीला मैदान में पहुंचे हैं, सरकार का क्या रुख है? सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी की बनी है 2014 के बाद लगातार किसान कल्याण की योजनाएं जो बनी है उससे किसानों के कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि का पैसा है जो किसानों के अकाउंट में जा रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के का भी 1,00,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया ताकि गाँवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, और इसके साथ ही प्रत्येक ब्लॉक पर एक FPO बनाया जा रहा है, उनको FPO को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि मार्केट में वो लिंक करके और अपने वैल्यू एडिशन करके मार्केट में अधिक रेट के अंदर बेच सके, और MSP के अंदर भी लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय, प्रतिवर्ष MSP बढ़ाई भी जा रही है जो उसकी लागत के अनुसार। तो इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों के कल्याण के कार्य हो, लेकिन ये काम अगर पहले हो गए होते, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अभी कृषि का बजट बढ़ाया है, पहले UPA के समय के अंदर जो कृषि का बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए था, आज भी कृषि का बजट बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए हो चुका है, जो लगभग 5.5 गुना वृद्धि की गई है। तो ये काम अगर पहले किए होते तो आज देश के किसान को इस तरह से आंदोलन नहीं करना पड़ता, किसान का कल्याण होता। लेकिन UPA की सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, किसान के नाम पर पॉलिटिक्स की, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो लगातार किसान कल्याण के कार्य कर रही है, और जो आज किसान यूनियन के जो लोग हैं, किसान भारतीय किसान संघ के जो आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनका भी जो ज्ञापन होगा निश्चित रूप से उसके ऊपर भारत सरकार पहले से ही प्रयास कर रही है, आगे और प्रयास करेगी कि किसानों के हित में हम क्या है। यानी आप कह रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं उन पर सरकार विचार करेगी, सोचेगी कि जो जो वो मांगे लेकर आए। मैंने कहा ना कि किसान कल्याण की कई योजनाएँ हैं जो लगातार चल रही है, और उसके साथ में उनके भी जो प्रस्ताव होंगे उनके ऊपर भी सरकार निश्चित रूप से आगे संज्ञान में लेकर उसके ऊपर काम करेगी।